वेरी एक्साइटेड और मुझे वो बैंड बजेगा, गाना भी देखा है मैंने. और मैं मतलब ऑब्वियसली आई नो करण सिंस सच अ लॉन्ग टाइम एंड फैमिली फ्रेंड्स हैं. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उसकी फिल्म के लिए. और मतलब मैंने इंटरव्यूज़ तक देखे हैं. आई मीन मैं रात को अभी बिकॉज 5 महीना पिक्चर कुछ अंदर देखने को नहीं मिला, तो अभी बाहर निकलने के बाद अभी सर्फिंग द चैनल्स एंड वेरी प्रॉमिसिंग. सो सुपर एक्साइटेड. बहुत अच्छा लगा मुझे ट्रेलर. और अभी जो गाना रिलीज हुआ है धीरे धीरे, आई लव्ड इट. एंड मतलब मैं पूरा सही से तैयारी करके आई हूँ. आई हैव सीन द ट्रेलर, आई हैव सीन द सॉन्ग धीरे धीरे. एंड ही इज़ अ वेरी गुड डांसर. एंड आई हैव बीन करण्स फैन सिंस ये दिल आशिकाना. आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर वो गो कार्टिंग के वहाँ पर उसका वो जो शूट हुआ था ये दिल आशिकाना. सो तब से आई हैव बीन लाइक इट्स इन लाइक हिज ब्लड. आई थिंक ही इज वेरी टैलेंटेड एंड सुपर एक्साइटेड टू सी द फिल्म. हाँ अभी तो मतलब 10 दिन ही हुआ है, तो मुझे ऐसे इंसान इंसान जैसा फील हो रहा है. बहुत ज़्यादा खुशी है कि आई थिंक जो प्यार और इज्जत मिली है, आई थिंक शायद ही मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन लोगों का दिल जीत लिया है. सो आई थिंक मैं ट्रॉफी के लिए तो कभी बिग बॉस गई नहीं थी, अपना नाम बनाने गई थी, लेकिन प्यार और इज्जत इतनी मिलेगी सोचा नहीं था. सो सुपर एक्साइटेड. ओके लास्ट डे, एनी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपने कोई साइन किया? नहीं अभी तो नहीं, अभी जस्ट यार अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं. मुझे हफ्ता भर और 10 दिन लगेगा नॉर्मल होने में. सो जस्ट कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा नॉर्मलिसी आ जाए एंड देन फिर उसके बाद काम की बात चल रही है. सो कुछ अच्छा ही प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो क्या होता ना मेरे लिए, जब भी मैं कुछ भी काम करता हूँ अगर मेरा डायरेक्टर मेरा प्रोड्यूसर मेरे से खुश है तो आई फील आई हैव डन ए गुड जॉब. तो पहले वहीं से शुरुआत होती है. तो सबसे पहले तो जो मेरे प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर उस काम से बहुत खुश हैं, फिर जो एक्टर्स हैं वो बहुत खुश हैं, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती. एंड आई वी आर मतलब दिस एक्टर दे हैव करण एंड गणेश, दे हैव डन ए वंडरफुल जॉब. दे हैव डन ए रियली वंडरफुल जॉब. बहुत मेहनत. मैं बहुत ज़्यादा, मैंने ट्रेलर देखा है, आई गॉट रियली एक्साइटेड एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड. तो हम तो भी देखते हैं. वेरी एक्साइटेड टू वॉच करण एंड जी. कैसी लगी ट्रेलर, स्पेशली जो एक्शंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई थिंक मतलब मैं कहूँ कि क्या तारीफ करूँ, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क एंड या क्वाइट एक्साइटेड. आने वाले समय में आप कोई एक्शन फिल्म करना चाहेंगे आप सर के साथ, कोई कोलैबोरेशन करके, और विक्की सर भी अगर साथ में हो गए तो? बिल्कुल, मैं एक्चुअली कर चुका हूँ. मेरी जो अमेजोन सीरीज आई थी अभी फॉरगॉटन आर्मी, तो उसका एक्शन पापा ने किया था, तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद हिम एंड लर्न अंडर हिम. आगे भी जाके डेफिनेटली जब भी मौका मिलेगा पापा के साथ काम करना चाहूँगा. मतलब मैं ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आई फील सो प्राउड एंड हम्बल्ड ब्लेस्ड. मतलब कि मोर देन दैट आई फील ब्लेस्ड कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार करता रहता हूँ कि ऐसा नो आई एम नोन बाय देयर नेम्स. आई थिंक इट इज़ ए बिग थिंग फॉर ए फादर टू बी नोन बाय देयर सन्स नेम. तो मैं मेरे को ऑलमोस्ट आई विल बी कम्प्लीटिंग 30 years एज एन एक्शन डायरेक्टर. तो 28 साल तक तो एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के नाम से था. तो अभी ये विक्की सन्नी के पापा हैं तो उसके नाम से जाना जाता हूँ. अगर कोई नहीं इंट्रोड्यूस करता मैं खुद ही बताना शुरू कर देता हूँ कि मैं आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू गॉड. इसके अलावा अभी 2 अपकमिंग मूवीज़ है मैं शूट कर रहा हूँ फिलहाल. एक है शिद्दत मैडॉक फिल्म्स के साथ दिनेश विजन, और दूसरी एक है हुड़दंग. तो ये 2 फिल्म्स हैं जो मैं करंटली शूट कर रहा हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. राजा
अरे सर मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये बच्चा मेरे बच्चे जैसा है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बच्चे तो सबके सांझे होते हैं और रिकू एंड आई गो 40 इयर्स बैक जब हम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था, तो हम लोग तब से दोस्त हैं। तो आई विश रिकू हिज फैमिली हिज सन ऑल द बेस्ट एंड आई हर्ड की बड़ी अमेजिंग फिल्म है और बॉय इज़ वेरी गुड, वेरी गुड लुकिंग, बाप खूबसूरत है, माँ खूबसूरत है, खानदानी खूबसूरत है, बच्चा नेचुरली खूबसूरत होगा और शक्ति कपूर अंकल भी खूबसूरत है। सो आई विश एवरी वन ऑल द बेस्ट एंड आई विश द मीडिया यू नो बूस्ट सच फिल्म फॉर न्यू कमर्स, यू नो हमारे भी बच्चे इसी लाइन में है, तो बेस्ट विशेज फ्रॉम द मीडिया टू एवरी वन। दैट्स इट, थैंक यू। यार देखो साउथ के अंदर उस टाइम पे जितनी फिल्में थी हमने सब का रीमेक किया, हिम्मत वाला से लेके जस्टिस चौधरी मावाली और यू नेम इट, हमने सबका रीमेक किया और सब सुपर डुपर हिट हुए, फर्ज और कानून। तो साउथ के सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे होते हैं और अभी ये भी साउथ का रीमेक है तो आई प्रे टू गॉड कि ये भी हिट होनी चाहिए, कंटेंट है इसमें, आजकल तो कंटेंट फिल्में चलती हैं तो इसमें बहुत तगड़ा कंटेंट है, एक्शन है, रोमांस है, मैंने एक दो गाने देखे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है एंड रेस्ट आप लोगों की विशेज हैं। ठीक है सर, देखा नहीं समझता नहीं है यार। अंदर ना जाओ जाओ मेरा
guys. Thank you so much. Big congratulations. The trailer is getting a huge response from the audiences. So what kind of comment you have got? I'm very nervous. It's a very important day to me. First of all, thank you all of you for coming here today. I'm very, very nervous, very excited. We've been looking forward to this moment for very long, and yesterday we had the first screening for a few close friends. Yes, the response, it's been very good. I'm very glad, but still very nervous. I'm very excited. I'm super nervous, super nervous. Like, this project's been like our little baby. We have put so much love into it, so much hard work, you know, our dreams, and we've been waiting for this moment for so long, and it's like a dream come true. I just can't wait to see people's reaction, and I'm sure, oh my God, it's just, I can just not hold back to my emotions right now. It's overwhelming. There are so many memories, you know, throughout so many things happened. We had like what happened with our biggest Vinod Khanerjee, and throughout we had so many experiences shooting in Banaras, and I got to meet so many people and to interact and with so many amazing people from the industry itself. So the whole experience throughout was amazing, and I feel very blessed to be and to have been part of it. Okay, lastly, any message you'd like to give to the audience for tomorrow your movie? Yes, please, please. I'd like to say that it's been an amazing journey, and we have made this movie with so much love. I can't even tell you. I couldn't even express myself. We have put so much of hard work, all of our dreams. You know, we are young people with so much dreams in our backpacks, and we have put all of our love and dedication into it, and I hope you guys can come and just give us a chance to show all of this to you, and I'm sure you're gonna enjoy it. It has so much of entertainment. You have action and glamour and beautiful songs that we shot. And I'm looking forward to see all of you guys tomorrow on the theaters. New Year's to you. Come and watch Guns of Banaras and give us a pleasure to have us by our sides. Thank you so much. Thank you. Thank you. सर अभी आइए।
हटेगा नहीं। आई थिंक एक मिक्स फीलिंग्स है। एक तरफ एक्साइटमेंट है कि इतने सालों की मेहनत रंग लाई, और दूसरी तरफ नर्वसनेस भी है कि ऑडियंस कैसे इसे रिसीव करेगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा पहला बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है ये। ऑफकोर्स साउथ में पिछले 8-9 सालों से काम कर रहा हूँ, 20-22 से फिल्में कर चुका हूँ, पर इट्स लाइक रैंक न्यू कमर होता है ना, वो वाली फीलिंग है। पर काम पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। नाउ इट्स अप टू द ऑडियंस। वेल बहुत सालों से बॉलीवुड में डेब्यू करना चाह रहा था, एंड आई वाज ऑन द लुकआउट फॉर द राइट स्क्रिप्ट एंड द राइट कैरेक्टर। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो कैरेक्टर है उसमें एक यू नो परफॉर्मेंस दिखा के स्कोर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ। तो ये इस फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट ही ये कैरेक्टर है, विक्रम सिंह। ही इज़ द विलन, एंटी हीरो, एंटागोनिस्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो अगर वो नहीं है तो कहानी नहीं है, इस किस्म का स्टोरी लाइन है। और क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी तमिल में बन चुकी थी धनुष के साथ, पोल्लादवन, मैंने ओरिजिनल देखी है, सो ये स्क्रिप्ट में वो सारे एलिमेंट्स थे, और ये कैरेक्टर में जो विलन का रोल है, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इसको मैं एक अलग स्पिन दे सकूँ। एंड बनारस का जो बैकड्रॉप था बहुत इंट्रीगिंग लग रहा था मुझे, और आजकल यू नो फिल्म्स आर बेस्ड इन टाउन्स लाइक बनारस, लखनऊ, कानपुर, इनकी एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छी है, एज बिकॉज एक अलग मिलियो, एक अलग स्टोरी टेलिंग हो जाता है वो, तो वो बहुत इंटरेस्ट था। एंड ऑफ कोर्स द टेक्नीशियंस जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए, डायरेक्टर शेखर सूरी जो साउथ में ही इज़ अ बिग नेम, ऑलमोस्ट 6-7 बिग फिल्म्स किए हैं उन्होंने तेलुगू में, एंड द एक्शन कोरियोग्राफर श्याम कौशल जी। और क्योंकि ये एक एक्शन ड्रामा है, एक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है, और श्याम कौशल जी का काम मैंने गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखा था, और हमेशा उनके साथ काम करना चाहता था, बिकॉज साउथ में कैसा होता है ना, जो एक्शन करते हैं वो लार्जर देन लाइफ होता है, रोप्स यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे गिमिक्स यूज़ करते हैं, बट श्याम जी जो है बहुत रॉ शूट करते हैं। अगर वसेपुर में आपने देखा होगा रियल लोकेशन में, तो यहाँ पे भी मार्केट में फाइट्स है, आइस फैक्ट्री के अंदर है, बहुत सारे रॉ एलिमेंट्स है। एंड आई थिंक इस फिल्म की हाई पॉइंट उसकी एक्शन है। तो जनरली दबंग टाइप की फिल्म्स यार, वो एक्शन ड्रामा वाला जो फील है वही जॉनरे का फिल्म है, सो आई एम रियली होपफुल दैट द ऑडियंस विल लैप इट अप। थैंक यू सो मच। खराब है, मेरा इन्फेक्शन है, स्लोली बात कर, मतलब बहुत ट्रैवल किया ना प्रमोशन के लिए। आप पूछेंगे या मैं शुरू करूं? सर मैं पूछ रहा, आपको सिर्फ सेंटर देखना है, डायरेक्शन आप हमारे हाथ, आप वहां खड़े हो जाइए। अच्छा, मैं एक्टर नहीं हूं यार। ओके ओके सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। खड़े हो जाओ यार, बस खड़े हो जाएंगे तो माइक पीछे आएगा। प्रेम में मैं तो नर्वस फील नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल नर्वस नहीं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट अच्छा बनाया, मतलब इट्स अ तमिल फिल्म कॉल्ड पोल्लादवन, उसका रिमेक करना था मैंने, मतलब डेफिनेटली फ्रॉम ऑल एंगल्स, मैं स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीन प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से, डायलॉग, फोटोग्राफी, हर टेक्निकली हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने द बेस्ट उस फिल्म में दिया है, और आई एम श्योर ऑडियंस विल लाइक इट, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंटेंट, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा है। सो मैं लाइक इट इज़ लाइक एनी अदर फिल्म, बट इट्स सिंस इट्स अ डेब्यू फिल्म इन बॉलीवुड, सो आई रिक्वेस्ट ऑडियंसेस टू कम टू थिएटर्स एंड वॉच द फिल्म, एंड आई एम श्योर पैसा वसूल है। हर फिल्म चलना चाहिए, हर फिल्म तापसी पन्नू का भी चलना चाहिए, जितने आई थिंक कल 19 फिल्म्स आर गेटिंग रिलीज्ड इंक्लूडिंग मराठी, हर फिल्म चलना चाहिए ताकि इंडस्ट्री फ्लरिश होगा, दैट इज़ द प्रिंसिपल। हम साउथ में यही सोचते कि क्लैशेस, क्लैश भी जितना भी बड़ी फिल्म हो, स्मॉल फिल्म हो, हर फिल्म चलना चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री विल फ्लरिश, लॉट ऑफ मनी फ्लो। थैंक यू, थैंक यू।